हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 इज 78। इस एपी का जो एपी दी गई है इसका 78 टर्म जो दिया है वो कौन सा होगा। तो बच्चों आज हम सीखेंगे किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन क्वेश्चनों में हम यही करने वाले हैं आज। तो आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है क्या हमारा, एपी हमें गिवन है। एपी मीन समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है हमारी 3, 8, 13, 18, ... कहा जा रहा है कौन सा टर्म इसका 78 होगा। तो लेट मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है, नेट टर्म है, एनवा पद है। क्या है, nth टर्म। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, an से। क्या है, 78 है। और फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है बच्चों 3। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a2 - a1 से। ये a1 है, a2, a3, a4। तो a2 में अगर हम नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता लग जाता है। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया बच्चों। अब फार्मूला क्या होता है nth टर्म का, nth टर्म an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a+n-1 × d। इस फार्मूले से हम किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी टर्म निकालना हो, इसका डॉट डॉट लगा दिया जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब तब करना जब बहुत ही पसंद आ जाए। आप देखिए an हमारा, an क्या है, nth टर्म क्या है हमारा 78 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, n निकालना है कौन सा टर्म, d हमारा क्या है 5। अब 3 प्लस का है बच्चों, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और क्या इधर बचा, n-1 × 5। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75। और ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 = ये आया घटाने पे 75। अब ये मल्टीप्लाई में था तो इसके पास आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो n माइनस, अब ये माइनस का 1 है उस तरह भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया 16th। अब क्या आया, 16th टर्म कौन सा होगा, 78 होगा। n की वैल्यू हमें पता लग जाएगी तो क्या होगा, 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। कौन सा आंसर होगा, 16th टर्म, ये हमारा आंसर आ जाएगा 16th टर्म। तो बच्चों ये हमें पता लग गया कि 16th टर्म 78 है। इसी प्रकार कोई भी टर्म पूछा जाए तो इस फार्मूले से आप उसे निकाल सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये, जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से देखो, सम्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये हमें एपी दी गई है, एक सीक्वेंस दी गई है, श्रेणी दी गई है, अब हमें फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है। अब जब कभी किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया हो तो उससे हम कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, फट से आपको आज ट्रिक बताऊंगा। पहले सॉल्व करते हैं फिर इसकी ट्रिक बताएंगे, जो चुटकी में आप इसे कर सकते हो। देखिए हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, क्या दिया है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, सेवन, कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्टीन में अगर हम सेवन माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, सिक्स आ जाता है। और लास्ट टर्म हमें गिवन है nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2205 गिवन है। तो बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा वही फार्मूला बिल्कुल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, या यहाँ एल भी लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल टू एल लास्ट टर्म, या एल का ही फार्मूला, जब लास्ट टर्म दिया गया हो तो एल इज इक्वल टू लिख लीजिए, नेट टर्म का ही है, एन माइनस वन इंटू डी। अब एल की वैल्यू दिया है 205, अब ए क्या है, सेवन, एन हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और डी हमें क्या दिया है, सिक्स। अब सेवन इधर ले आइएगा, माइनस हो जाएगा, सेम प्रोसेस है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बारह लिया 15 हुआ, 15 क्योंकि 5 में 7 नहीं माइनस होगा, तो यहाँ से 12 लेंगे 15 में 7 8 आ जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 19, 20 से 12 दे दिया। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, n माइनस 1, अब ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 बन जा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, अब 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 33 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 34 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे इसमें, 34 नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 34 आ जाएंगे बच्चों। ये जो सीक्वेंस दी गई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 34 होंगे। आइए इसी टाइप का ये भी सम्स है, देखते हैं बहुत आसानी से आएगा। तो क्या है हमारा फर्स्ट टर्म बच्चों, क्या है, 18 है। सेकंड टर्म हम अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड टर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो सेकंड टर्म क्या है हमारा, 15 होल 1 अपॉन 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 टू जे 31 जोड़ दिया, 31 अपॉन 2 माइनस फर्स्ट टर्म, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया 31, 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में, तो 2 से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 36, क्या आया 36। अब माइनस कर देंगे तो 31 में 36 माइनस होगा नहीं, 36 में करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस पता लग गया, और बच्चों क्या है, लास्ट टर्म हमारा दिया है माइनस 47। अब लास्ट टर्म गिवन है, यही फार्मूला लगा दो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस 47, ए क्या है हमारा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब डी की वैल्यू हमारी भी दी थी माइनस 5 अपॉन
टू, अब ये प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्यों साइड चेंज हो रही है, और इधर क्या बचा हमारे पास n माइनस वन इंटू माइनस फाइव बाई टू। अब ये सेम साइन है बच्चों, सेम साइन हमेशा क्या होते हैं ऐड होते हैं, वो चाहे प्लस का हो या माइनस का है, माइनस का है तो ऐड करेंगे साइन, माइनस का होगा अगर पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव में लिखा जाता है, लेकिन सेम साइन हमेशा आल ऐड होंगे। तो एट सेवन कितना हुआ फिफ्टीन, कैरी वन, फोर वन फाइव वन सिक्स। अब बच्चों ये क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो टू ऊपर चला जाएगा फाइव नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड में। इधर क्या बचा है एन माइनस वन, अब या तो कह लीजिए टू ऊपर जाएगा फाइव नीचे आएगा, ये चीज़ ऐसे याद रखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइव से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस माइनस प्लस, और थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स, क्या बचा यहाँ एन माइनस वन बच जाएगा। तो बच्चों एन की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी सिक्स प्लस वन, ये माइनस का है ट्वेंटी सिक्स के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन। तो बच्चों इस सीरीज में या सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए ट्वेंटी सेवन आए, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवेन एपी इज 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 27। इस तरह हम किसी भी सीक्वेंस का, मतलब वो एपी में यदि है तो हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, और कौन सा टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवेंथ टर्म कोई भी टर्म हो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो, अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इसी टाइप्स की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो थैंक यू, नोट इट डाउन, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो। आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, चेक वेदर व्हेन 150 इज अ टर्म ऑफ एपी इज 11.8.5.2। ये एपी दी गई है, कहा जा रहा है इसका कौन सा टर्म 150 होगा, वो भी निगेटिव माइनस में, गिवेन एपी का ये कौन सा टर्म है, ये हमें चेक करके बताना है। तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा एपी, क्या है हमारी 11.8.5.2 फिर डॉट 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 पा जा रहा है इज 1 माइनस 150, ये कौन सा टर्म है। सेम क्वेश्चन है फोर्थ नंबर जैसा, तो हमें बच्चों क्या गिवन है देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट टर्म गिवन है 11, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 3 आ गया, और हमें क्या दिया है मान लेते हैं लेट nth टर्म, क्या nth टर्म an इज इक्वल टू -150, ये लेट कर लिया कि ये है। आओ फार्मूला लगाते हैं क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है -150, ए हमारा क्या है 11, एन निकालना है कौन सा टर्म है, डी क्या है हमारा -3। तो आओ बच्चों इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा इधर क्या है माइनस का, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या है
डिवाइड में है, क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या बचा सिर्फ n माइनस वन बच जाएगा। तो ये बच्चों सेम साइन है ऊपर, तो इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 161 अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एन। अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो वन बना लीजिए, क्या वन बना लीजिए, तो फिर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा हमारा, क्या आएगा थ्री। तो 161 प्लस थ्री, क्योंकि वन के टेबल में थ्री थ्री टाइम्स में होता है, इसलिए न्यूमरेटर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर क्या है एन, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 164 अपॉन थ्री। अब देखिए ये थ्री से डिविजिबल है या नहीं, तो 64 थ्री की डिवाइसिबिलिटी क्या होता है सम ऑफ डिजिट, अगर उनका थ्री से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 11, और 11 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। सो क्या होगा, ये हमारी एन की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये कोई होल नंबर तो है नहीं, ना कोई इंटीजर्स है, तो ये क्या होगा 150 जो गिवन है एपी का, ये कोई भी टर्म नहीं होगा। तो बच्चों लिख लेंगे वैल्यू ऑफ एन इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर्स में नहीं है, इज नॉट अ इंटीजर्स, सो -150 इज नॉट अ एनी टर्म ऑफ द एपी। ये एन का जो मान है ये कोई भी इंटीजर्स नहीं है, कोई भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए 150 जो होगा वो एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। बच्चों ये चीज़ हमें ध्यान रखिएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, इसलिए ये टर्म ही नहीं। इसमें सब क्या आ रहे हैं देखिए, सब ये नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, आगे जो आएंगे कम होता जा रहा है निगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ज़ीरो हो सकता है आ जाए, लेकिन कोई डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं आएगा, इसलिए 150 माइनस 150 इस सीरीज़ का कोई भी टर्म आने वाला नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7, तो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन।